बॉलीवुड की दुनिया से आने वाली ताज़ा तरीन अपडेट से मुतल्लिक आपको आगाह करते चलें कि भारतीय फिल्म KGF के मारूफ अदाकार हरीश राय जानलेवा बीमारी का शिकार हो गए हैं। भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हरीश राय ने गले के कैंसर से पैदा होने वाली सूजन छुपाने के लिए फिल्म में दाढ़ी रखकर अदाकारी के जौहर दिखाए, जबकि अब हालात बदतर हो गए हैं। फिल्म KGF में हरीश राय आखिरी बार नजर आए, वो कैनेडा सिनेमा के नुमाया अदाकार हैं। एक इंटरव्यू में हरीश राय ने अपनी सेहत से मुतल्लिक बातचीत करते हुए कहा कि किस्मत से फरार मुमकिन नहीं, हालात आपको अदा करते हैं या फिर चीज़ें आपसे दूर ले जाते हैं। मैं गुज़िश्ता 3 साल से कैंसर में मुब्तला हूं, यही वजह है कि मैंने KGF में दाढ़ी रखकर अदाकारी की ताकि गले पर मौजूद सूजन को छुपाया जा सके। उनका कहना था कि मैंने अपनी सर्जरी सिर्फ इसलिए रोक दी थी कि मेरे पास पहले पैसे नहीं थे, मैंने फिल्मों की रिलीज का इंतजार किया, अब मर्ज 4th मरहले में दाखिल हो गया तो हालात बदतर होते जा रहे हैं। अदाकार हरीश राय ने मजीद कहा कि मैंने मदाहों और फिल्म सनत से वाबस्ता लोगों से मदद मांगने के लिए एक वीडियो भी रिकॉर्ड की थी, लेकिन मैं उसे पोस्ट करने की हिम्मत ना कर सका। वाजे रहे कि भारतीय फिल्म KGF चैप्टर 2 तारीख की सबसे कामयाब फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1200 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। इस फिल्म में हरीश राय ने कासिम चाचा का किरदार निभाया, वो सन 2018 में रिलीज होने वाले KGF 1 का भी हिस्सा रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की न्यूज अपडेट। ऐसी ही डेली बॉलीवुड अपडेट्स हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें।